जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े, तो प्लीज़ एक छोटा सा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाए। कटु सत्य जिस पर हम आज बात करेंगे, हम हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी गलती करते हैं, और वो गलती है, ज़रूर कमेंट्स में लिखें कि जो भी एक बहुत बड़ी गलती जिसे आप समझते हैं वो ज़रूर आप कमेंट्स में लिखेंगे, वो गलती है उधार लेना। शास्त्रों में उधार लेने को पाप कहा गया है, पाप है उधार लेना, कर्ज लेना पाप है, और वो पाप हम बार बार करते हैं। और कलयुग में तो मान लीजिए कर्ज पे दुनिया चल रही है, और लोगों की एक आदत सी बन गई है, और परेशानियों की जो जड़ शुरू होती है वो कर्ज से शुरू होती है और कर्ज पे ही खत्म होती है। ये आम तौर पर लोगों के साथ बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और एक बहुत बड़े तौर पर भी इस चीज़ को महसूस किया है कि कर्ज की वजह से जीवन में कई बार बड़ी बड़ी तकलीफें लोगों को झेलना पड़ी। तो कर्ज पाप है, इस कटु सत्य को आप पहचानें, इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जानें, और कर्ज से जितना हो सके बचें, क्योंकि कर्ज जो है वो आपको लालच है। आपको देखिए, कर्ज जिसे आवश्यकता होती है उसे नहीं मिलती, जिसके पास सब कुछ सामान्य चलता रहता है उसे कर्ज मिलता है। जब सामान्य सब कुछ चल रहा है और ऊपर से कर्ज ले लिया है, और हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम भविष्य में इसे चुका देंगे, अभी तक तो सब सामान्य हो ही रहा है, और बस व्यक्ति वहां जाके फंस जाता है। 50 लाख, 20 लाख, 22 लाख, हजारों रुपये का कर्ज जो है उसे हम ढोते रहते हैं, उसकी चिंता में हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, टेंशन में कई बार बीमारियाँ हो जाती है, और परेशानी यहाँ से शुरू होकर वापस वहीं पर खत्म होने का नाम नहीं लेती है। ये बहुत बड़ा कटु सत्य, इसे समझे जाने, आप इससे कहते सहमत है जरूर बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में अच्छी राय जरूर लिखें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।